स्टूडेंट आज जो हमारी फोटोशॉप की क्लास है उसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मास्किंग इफेक्ट्स। मास्किंग इफेक्ट्स कई तरह के होते हैं, इसमें तीन तरह के दिए हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मास्किंग इफेक्ट्स में पहला जो है वो फेस मास्किंग इफेक्ट आप करेंगे, दूसरा जो है मास्किंग फोटो मास्किंग करेंगे, और तीसरा जो है वो टाइपो मास्किंग करेंगे। ये तीन तरह की मास्किंग में आप सब मास्किंग क्या क्या देखेंगे, इसमें वाइट सिल्वर मास्क देखेंगे, फेस हाफ मास्क देखेंगे और नेक टू फेस मास्क देखेंगे। ठीक है, जैसा कि ये आपका वाइट सिल्वर मास्क है, इसका फेस हाफ मास्क है और ये नेक टू आपका फेस मास्क है। फोटो मास्किंग में मर्ज फोटो देखेंगे या फोटो आप ये वाला मास्किंग आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये डिटेल में आज हम करेंगे। लेयर इफेक्ट्स देखेंगे हम, मर्ज फोटो, लेयर इफेक्ट्स और ब्लेंडिंग मोड, ये तीनों इस फोटो मास्किंग में हम यूज़ करेंगे। और टाइपो मास्किंग में हम पेस्ट इनटू देखेंगे, इनसाइड मास्किंग देखेंगे और क्लिपिंग मास्क देखेंगे। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें हम जो है ये इन चीज़ों में कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने फ़ोटोशॉप पे, और फोटोशॉप पे जाने के बाद हम कोई भी पिक्चर अपनी ओपन कर लेते हैं। कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास जो आपको बताया है मैंने कि यहाँ पर आपके पास फ़ोटो गैलरी में आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, आप पीपल में से ले सकते हैं, फेसिस में से ले सकते हैं, इसमें ये चीज़ें आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। जो थोड़ा सा फोकस हो रहा हो फेस, उसको ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपका जो है मास्क बनेगा। ठीक है ना, इसमें जो है और ये पिक्चर की रेजोल्यूशन भी काफ़ी बड़ी है, अच्छी है, यानी 100 KB से तो बड़ी होती है वो, तकरीबन आपकी वो हो रही होती है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो है पावर पॉइंट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना मैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ले लिया, सही, ये फेस आ गया आपका। अब इसकी हम मास्किंग करेंगे। देखिए, इसकी मास्किंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस फेस को जो है वो पेन टूल से या लाजो टूल से, जिससे भी आपको इजी हो वो आप, या क्विक सिलेक्शन से वो आप यहाँ पर कर लेते हैं। क्विक सिलेक्शन से अगर हम करते हैं तो उसमें अगर फिनिशिंग आ जाती है तो ठीक है, आप उसी से ले लें, और अगर आप इससे फिनिशिंग नहीं आ रही है आपकी, आपकी चीज़ें सेलेक्ट सही नहीं हो रही हैं, तो फिर आप जो है उसमें से क्या करेंगे कि आप जो है वो पॉलीगॉन लासो टूल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ मुझे ये करना था, ये यहाँ से लेके मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ गई, यहाँ तक मैंने सिलेक्शन इसकी कर ली है और ये चीज़ आ गई। इसको थोड़ा सा ऑल्ट करके मैंने यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर आपने ये ले लिया, यहाँ पर सही है। अब ये फेस आपका आ गया, यहाँ से थोड़ा सा और हम ये कर देते हैं। आप इसको पेन टूल से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, पॉलीगॉन लासो टूल से भी कर सकते हैं, कंट्रोल जे कर दिया मैंने। ठीक है ना, ये फेस देखिए आपका सेलेक्ट होकर यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपने जो है यहाँ पर एक और सिलेक्शन करनी है जहाँ पर हाफ फेस मास्क आपने यूज़ करना है। ठीक है ना, अब मैं पेन टूल ले लेती हूँ, पेन टूल से जो है मैं इसका हाफ फेस मास्क लूँगी। ठीक है ना, अब मैं यहाँ से ले रही हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं, आप इसको ना करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, आप डायरेक्ट वहाँ से भी हाफ फेस मास्क ले सकते हैं। बैक स्पेस से आप क्या हो गया, यहाँ से जो है मैं ठीक है ना, अब हाफ लेना है मुझे तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है ना, ऑल्ट किया, सही है, ये चीज़ हो गई आपकी, कंट्रोल एंटर कर दिया आपने। ठीक है, और कंट्रोल जे कर दिया इसे,
सही है। अब मेरे पास इसका ये हाफ आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर ले लिया। आप यहाँ से भी डायरेक्ट ये कर सकते हैं, वो नहीं है कि आप यहाँ से डायरेक्ट ना करें। उजाम जरा उन लोगों को जाके बोलो या मैं आऊँ, मैं आऊँ क्या वहाँ पर अभी, ठीक है। यहाँ पर ये आपने हाफ ले लिया, ये आ गया सही। अब आप इसको कंट्रोल शिफ्ट यू डीसेचुरेट, ठीक है ना। डीसेचुरेट आपका कहाँ होता है, आप यहाँ पर आएंगे लेयर सॉरी इमेज के अंदर, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट में, और डीसेचुरेट ये रहा आपका कंट्रोल शिफ्ट यू, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ये कर देंगे, ये ब्लैक एंड वाइट आपका हो गया, ठीक है। जब ये ब्लैक एंड वाइट हो गया तो आपका जो है यहाँ पर इसको, अब मैं इसको भी खोल लेती हूँ, ठीक है ना। तो कंट्रोल एल करेंगे, लेवल इसका सेट करेंगे। कंट्रोल एल लेवल के लिए होता है, और ये लेवल कहाँ होता है आपका, ये लेवल आपका इमेज में जाके, और यहाँ पर ये लेवल आपका एडजस्टमेंट में ही होता है, ठीक है। अभी मैं खुला हुआ है तो यहाँ से ले रही हूँ मैं, यहाँ पर इमेज में जाके, और ये रहा लेवल, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट है, ठीक है। अब ये लेवल में सेट कर रही हूँ यहाँ पर इसकी, इसके लिए ब्राइटनेस और डार्कनेस के लिए, ताकि इसमें सिल्वर इफेक्ट आ जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये थोड़ा सा वो हो गया है, इसको थोड़ा सा, अब देखिए अगर आपको ये लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको आप थोड़ा सा रेजर से जो है ठीक है ना, इरेजर को थोड़ा सा करके इसको कर दें, ताकि जब सही है, ये आपका हो गया। अब देखिए इस पर आप डबल क्लिक करें, आपको लेयर स्टाइल बताए हुए हैं मैंने, ठीक है ना। लेयर स्टाइल में जाइए और यहाँ से ड्रॉप शेडो ले लें, ठीक है। ये ड्रॉप शेडो आपका आ गया। ड्रॉप शेडो लेने के बाद आप जो है यहाँ से ये चीज़ इरेजर से अवॉइड कीजिएगा, इरेजर से किया हुआ ड्रॉप शेडो पर प्रॉब्लम करता है। तो पहले ही आप सिलेक्शन अपनी सही कर लीजिएगा उससे, पेन टूल वगैरह से, ताकि आपके ये ड्रॉप शेडो मैं कर रही हूँ, डिस्टेंस है ये, ठीक है ना। यहाँ से स्प्रेड है कितना हल्का, कितना वो रहना है, यहाँ से जितना वो करना है आपने। मल्टीप्लाई का इफेक्ट है, नॉर्मल नहीं दे रही हूँ मैं, ताकि आप कहीं हो। और यहाँ से अगर आपका शेडो कहीं और आ रहा है, तो आप फिर से एंगल से इसको सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको शेडो चाहिए और कितना शेडो आपको चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लें, आपको अगर ये वाला सही लग रहा है, वरना आप एंगल को यूज़ कर लें कि कहाँ पर एंगल जो है आप कैसा रहा है, जहाँ आपको शेडो चाहिए। अगर ये चाहिए आपने ये ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा जो है वो हम यहाँ से इसकी नेक से लेंगे, जो कि हम यहाँ पर कुछ एक इफेक्ट, जो जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, इस तरह से ये इफेक्ट आपका जो है आप इस तरह से भी ले सकते हैं, हाफ उसको भी ले सकते हैं, लिप्स को भी ले सकते हैं। इसमें तो लिप्स नहीं लिए, आप हाफ लिप्स को भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं पेन टूल ले रही हूँ, ठीक है ना। और पेन टूल लेकर मैं यहाँ ओरिजिनल पर आ जाती हूँ। ओरिजिनल पर आके मैं यहाँ से इसको बल्कि लिप्स नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि लिप्स लेने से ना फिर मैं लिप्स का तो भी अलग बताना है आप, यहाँ से ले रही हूँ। लिप्स आप लोग भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है अभी मैं इसको करती हूँ सही, अब अगर जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ना इसको थोड़ा सेटिंग कर लें आप, बाहर क्लिक करें और जिस पॉइंट को लेना है उस पॉइंट को थोड़ा सा सेट कर लें, यहाँ से इस पॉइंट को कर लें, यहाँ से हैंडल्स को नीचे कर लें आप, ठीक है ना। और यहाँ से इसको थोड़ा सा कर लें, इसको थोड़ा सा दे दें, इसको इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लें। और अगर ये लग रहा है आपको कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस पॉइंट को डिलीट कर दें, ठीक है ना। इस पॉइंट को डिलीट करके, तो यहाँ पर इस पॉइंट को करके यहाँ सर
सिलेक्शन हमने सही नहीं किया, सिलेक्शन सही करिएगा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये ले लिया, ये लेने के बाद मैंने इसको कंट्रोल एंटर कर दिया। कंट्रोल एंटर करने से पहले जितनी चेंजेस करना है वो कर लें, बाद में नहीं होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कर लिया और इसको मैंने थोड़ा उधर कर दिया, सही। कंट्रोल एंटर किया मैंने और कंट्रोल जे कर दिया, ठीक है ना। कंट्रोल जे करके अब ये पार्ट मेरे पास आ गया है, सही है। अब ये पार्ट मेरे पास, ये वाला पार्ट आ गया, ये ऊपर वाला है इसलिए नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये पार्ट आपका आ गया, ये वाला स्टाइल जो है आपका, जो ये वाला स्टाइल है, ये स्टाइल इस पर अप्लाई करना है। आप राइट क्लिक करेंगे कॉपी लेयर स्टाइल करके और यहाँ पर इसको पेस्ट लेयर स्टाइल कर लेंगे तो आपको देने की वो नहीं पड़ेगी यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपका। अब इसको मैंने ये तो कर दिया है, मुझे कंट्रोल शिफ्ट यू तो करना था ना इसको, ये तो मैंने किया ही नहीं था, ठीक है ना। ये करेंगे तो हम ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसका वो कहाँ गया ऊपर का, जब ये इतना बुरा लग रहा है। ऊपर का भी मैंने सिलेक्शन की थी ना, कंट्रोल जेड, ये इसमें वो तो नहीं हुआ हुआ है, एक मिनट रुके, फेदर तो नहीं हुआ हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखती हूँ, फेदर दिया हुआ है ना यहाँ पर। यहाँ पर जो है हम वन दे देते हैं इसको, मुगली में एक स्टूल लिया वाला राउंड वाला, सही है। अब यहाँ पर ये चीज आ गई है, अब मैं देखती हूँ इसको कंट्रोल जे करके, ठीक है ना। कंट्रोल जे किया मैंने, ये हो गया। अब देखती हूँ मैं, ये एक मिस्टेक ये हो रही है कि इसके ऊपर मुझे लाना था, ये पहले भी सही हुआ था, सही है। मैं यहाँ पर से दोबारा कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक की थी। मिस्टेक क्या की थी, मुझे ये फेस के ऊपर वो चीज़ रखनी थी, ठीक है ना। अब फेस के ऊपर वो चीज़ रखनी थी और वो मैंने उसको डीसेचुरेट भी नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं आती हूँ आपके सामने फटाफट जल्दी से। अब मैं वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करूँगी, आपको चीज़ें बता चुकी हूँ मैं, ठीक है ना। मैं यहाँ से ले रही हूँ इसको, यहाँ से ले रही हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिया मैंने, इसके बाद ओल्ड के बाद ये ले लिया, यहाँ पर लिया मैंने ओल्ड के बाद ये ले लिया, इसके बाद यहाँ लिया मैंने, ठीक है ना। इस तरह से ओल्ड किया, इसके बाद यहाँ आ गई मैं, इसको मैंने यहाँ से लिया ओल्ड किया और इसके बाद यहाँ आ गई मैं, इसको इस तरह से लिया ओल्ड किया और यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन से मुझे ये चीज़ सिर्फ करनी है, वो चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको ये कर रही हूँ और यहाँ पर से इसको ये कर रही हूँ और यहाँ पर से इसको ये, ठीक है ना। यहाँ पर से इसको थोड़ा सा ये कर रही हूँ, सही है, ये हो गया यहाँ मेरा। इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये कर दिया, कंट्रोल एंटर और कंट्रोल जे और कंट्रोल शिफ्ट यू, और इसको देखिए मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ, देखिए ये गलती हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी। अब आप यहाँ पर आ जाएं, जो आपका मास्क है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ना, लेयर स्टाइल दिए मैं, यहाँ पर कॉपी लेयर स्टाइल और यहाँ पर आप कर दें पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, सही है। अब आप देख लें, एक चीज़ आपने ये बना ली जो कि आपकी सिल्वर या प्रोसलिन मास्किंग कहलाती है, ठीक है। अब एक तरह की प्रोसलिन मास्किंग है, इसी के अंदर हम दूसरी प्रोसलिन मास्किंग में क्या करेंगे कि हम इसके अंदर एक और काम करेंगे। एक तो आप ये रखेंगे इस तरह से, दूसरे में आप ये करेंगे। अच्छा, ये जो प्रोसलिन मास्किंग है ना, इसके अंदर से मुझे इसकी आइज़ को, पहले मैं इसकी आइज़ को जाके नॉर्मल कर लेती हूँ, यानी कि इसकी आइज़ पर जाऊँगी मैं और आइज़ पर जाके इसकी यहाँ पर जो है इसको, चाहे तो आप इसको इरेज़र ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, और इरेज़र लेकर इसको कंट्रोल प्लस करेंगे हम। एक आपने इस तरह भी, एक स्टाइल आपने इस तरह भी रखना है। इसकी आइज़ को मैं ओरिजिनल कर रही हूँ, ठीक है ना। आइज़ जो है वो ओरिजिनल रहें और बाकी चीज़ें जो हैं वो सिल्वर रहें। एक आप इस तरह भी करते हैं, दोनों का डिफरेंट कर रही हूँ मैं, ठीक है ना।
और एक आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये मैंने एक पूरी ली है एक ही, ठीक है ना, इस तरह भी आप ले सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया आपका दूसरा। अब आपको एक और जो प्रोटीन मास्क में एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, उसमें ये चीज़ है कि आपने इसको अंडू कर देते हैं हम, ओरिजिनल ले लेते हैं, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर आपने ये करना है और यहाँ पर आना है आपने पेन टूल पे, पेन टूल पे आके इसको आपने सिलेक्शन कर लेनी है यहाँ पर ये, ठीक है। ऑल्ट किया आपने, यहाँ पर आ गए आप और फिर यहाँ पर कंट्रोल जेड ऑल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आके आपने जो है इसको कंट्रोल एंटर कर दिया, एक नई वो ले ली, टी क्या डिफॉल्ट ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद आप आ गए दूसरी आई स्पेस की यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपने जो है इसको ले लिया यहाँ पर, ये कर दिया। इसके बाद ऑल्ट किया आपने, इसके बाद ये ले लिया आपने ऑल्ट किया कंट्रोल एंटर, ठीक है। और यहाँ पर ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। अब देखिए आपके यहाँ पर ये चीज़ आपकी, यानी कि ये एक इस तरह का मास्क हो गया। अगर आप यहाँ पर इसके लिप्स को भी इस तरह करना चाहें, लेकिन लिप्स इस तरह से नहीं होंगे क्योंकि हमारी इस पे नहीं है। अगर ये आपका इस पे होता तो फिर हम ये कर लेते कि यहाँ पर आप जो है इसको इस तरह से करते कि आप जो है इसको जो है ये कर लेते आप इस तरह से, मुझे चाहिए होंगी आपकी, ठीक है ना। देख लीजिए इस तरह से जो है आपको करके बतानी। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सही है मैं, ठीक है ना। अब मैंने इसको जो है यहाँ पर कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल एंटर पहले और फिर कंट्रोल जे कर दिया। कंट्रोल जे करने के बाद मैं इस लेयर को ऊपर लाऊंगी, ठीक है। ये लेयर मेरी ऊपर आ गई और यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल माइनस किया मैंने, ठीक है ना। ये लेयर मेरी ऊपर आ गई, ठीक है ना, यहाँ पर आ गई मैं इस लेयर पे, और इस लेयर पे कंट्रोल टी किया मैंने, ये मैं बता रही हूँ आपको कि क्या करना है थोड़ा सा वो करके, ठीक है ना। मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी वो वाली लेयर कहाँ गई, लिप्स वाली, ये तो आइस की है, ये भी आइस की है, ये इसकी है, वो कहाँ गई लिप्स वाली, वो वहीं रखी हुई है। एक मिनट, हाँ ये ठीक है ना। इसको जो है आपने ऊपर ले जाना है इसको सबको, पहले इसको मैं लेयर पैनल को निकाल लेती हूँ, बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, सही है। यहाँ पर जो है इसको मुझे इन लेयर्स के ऊपर लाना है, ये वाली है ना लिप्स की लेयर, ये आ गई, ठीक है ना। अब देखिए ये जब आ गई यहाँ पर, तो ये चीज़ आपकी बड़ी होनी चाहिए, ये जो चीज़ है आपकी, ये जो मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ ना आपको कंट्रोल टी करके, ये आप यहाँ से, आपको पता था ना ये, इसमें बताया है मैंने आपको, बताया है ना क्लाउड में, तो आप यहाँ से इसको सेट कर लें। इसको वैसे अगर आपको इस तरह का बनाना होगा तो पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि इसको कहाँ तक आपने लेना है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा होगी तभी ये इस पर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ले लिया, एंटर दे दिया और यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपने कर दिया। अब देखिए अब आप इसके ऊपर अगर लिप्स के ऊपर वो करेंगे ना, अब लिप्स तो हमारा सेलेक्ट हुआ है, कंट्रोल इसको ये करेंगे और आप ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे जाके यहाँ पर, ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है ना, कंट्रोल डी, ये देखिए आप। अब इसको सही कर लीजिएगा तो इस तरह से इसके लिप्स भी हो जाएंगे, इसके आइज भी, अभी लिप्स सही नहीं हुए इसके, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, मतलब लिप्स आइज ये सब इस तरह से आप मास्किंग कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये दूसरा तरीका था, यहाँ पर इसको भी बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें, कहाँ गया ये लिप्स,
एक मिनट, अब नहीं मिल रहे हैं ना अगर, तो हम यहाँ पर वी टूल करके आप इस पे आ जाएं और इसको लेयर सिक्स चाहिए, इसको बंद कर दें। लेयर सिक्स बंद करके क्यों नहीं हो रही है ये? ये इसी पे तो नहीं आ गई कहीं, शायद उसी पे आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये इस तरह से जो है आपकी ये मास्किंग जो है प्रोसिलीन मास्किंग, जो फर्स्ट वन है हमारा प्रोसिलीन मास्किंग हो गया, फेस हाफ मास्किंग हो गया, नेक टू फेस मास्किंग हो गया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको आईज और उस पर भी करा, आप जब यहाँ पर शेडो ज़्यादा देंगे तो ये ज़्यादा इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक है फोटो मास्किंग। फोटो मास्किंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ यहाँ पर कि फ़ोटो मास्किंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। फ़ोटो मास्किंग में हम एक दो फोटोज़ ले लेते हैं अच्छी सी, यहाँ पर फेसेस में से ले लें या आप पीपल में से ले लें, आप जिसमें से ले लें, लोगों की बनाना चाह रहे हैं, सीनरी की बनाना चाह रहे हैं, जिसकी भी बनाना चाह रहे हैं, वो फ़ोटो मास्किंग के लिए आप जो है चीज़ें ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चीज़ें उससे कर सकते हैं। जैसे एक मैंने ये ले ली, बल्कि एक वो लें जो बैकग्राउंड पे आपको पिक्चर रखनी है और उसके अंदर फ़ोटो मास्किंग करनी है। ये मैंने रख ली और ये मुझे बैकग्राउंड पे लेनी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मुझे फ़ोटो मास्किंग करनी है, मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद मैंने एक पिक्चर, अब मैं उसके लिहाज से लूँगी कि भाई और क्या क्या मुझे करना है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो है एक इस तरह से करनी है कि यहाँ पर मुझे जो है एक इस तरह की लेनी है पिक्चर, ठीक है ना। इस तरह की लेके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी, और यहाँ पर बंद कर दिया आपने इसे, कंट्रोल बी कर लिया, ठीक है ना, कंट्रोल टी कर लिया आपने इसे, शिफ्ट ऑल्ट कर लिया आपने, ठीक है ना, शिफ्ट ऑल्ट करके आप यहाँ आ गए, ठीक है ना। इसको लेयर को मैं दोबारा यहाँ रख लूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिए ये आपने मास्किंग कर दी है, यहाँ तक ले लिया आपने, ये आ गया आपका, ठीक है ना। ये आने के बाद अब आप यहाँ पर साइन, यहाँ पर देख लो, इनको थोड़ा सा गाइड कर लो, ठीक है। यहाँ पर जो है मास्क बना लेंगे आप, मास्क बनाने के बाद आप जो है यहाँ आ जाएंगे ब्रश पे, ब्रश पे आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक्स करके इसको ऊपर लाएं, ठीक है ना, आपका ब्लैक कलर वो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप जो है इसको इस तरह से इसका मास्क बना सकते हैं कि आपने ये इस तरह से ये रख लिया है, यानी ये इसके अंदर आपकी, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह से मास्किंग हो गई आपकी। अब आप एक और पिक्चर ले लें, यहाँ पर एक और पिक्चर, कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं, जैसे ये बच्ची की पिक्चर है, इसको ले लिया हमने और मैंने कंट्रोल ए कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, ठीक है ना, यहाँ ये ले लिया। इसको भी मास्क करेंगे हम, ठीक है ना, ये मास्क हो गया। इसके बाद ब्रश ले लिया, ब्लैक कलर आपको ऊपर ये, तो ये इस तरह से कटआउटिंग नहीं आपके आनी चाहिए, नहीं कटा हुआ हिस्सा नहीं आया आपका, ये कटा हुआ हिस्सा मैं निकाल लिया, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। अब इसी पे तीसरा लेते हैं, ये चीज़ हटा रही हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि पता नहीं चले कि काट के रखा है, सही है। इसी तरह से आप तीसरा ले लें, यहाँ पर आप इसमें मास्किंग कर लें। अब देखिए आप जो मास्किंग है ना, बेसिकली फ़ोटो मास्क, ये देखिए ये सब आपके फ़ोटो मास्क हो गए हैं, इसमें ये इसी तरह से मास्किंग है, देख रहे हैं आप, ये इसी तरह से मास्किंग हुई है। ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होगा, कलर होगा, लेकिन इसकी थीम ये होगी, ये आपकी फ़ोटो मास्किंग हुई है, ठीक है ना, इसी तरह से होगी, ये आपकी फ़ोटो मास्किंग हुई है, ये आपकी फ़ोटो मास्किंग हुई है, ठीक है ना। इसमें ब्लेंडिंग मोड भी यूज़ हुआ है, जो कि अभी मैं बताऊँगी, सही है। यहाँ पर ये चीज़ आपने ले ली। इसके बाद आप जो है यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर आने के बाद इसमें जो है ये वाला ले लेती हूँ मैं, ये वाला एक लेके मैं इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर कंट्रोल बी, सही है, कंट्रोल टी, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ले लेती हूँ इसे मैं, ठीक है ना, यहाँ पर। अब इसकी मास्किंग कर लेते हैं हम, सही है ना। अब मास्किंग करनी है आपको, बता रही हूँ मैं, इसको अब रखेंगे काम, देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल टी करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इसको ब्रश ले लें और मास्क कर दें यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ
यहाँ पर के मास्क, सही है। इस तरह से आप मास्किंग कर सकते हैं, और इस तरह से मास्किंग करने के बाद अब देखिए आप, अब और क्या चीज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद ये चीज़ आप लें, डार्क ले लें, ये देखिए डार्क कलर आप ये देखिए। अब इस पर आप जो है मास्किंग पे ब्लेंडिंग मोड सेट करके आप बहुत कुछ इसको जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है मुबारिम। यहाँ पर ये चीज़ कस्टमाइज बटन बता दीजिए, मतलब शेप सही, वो रेक्टेंगल गोलाई राउंड रेक्टेंगल हो गए, ठीक है। ओपन करना ना है तो पूछ लीजिएगा इन लोगों से, ठीक है। यहाँ पर ये आप ले लें, यहाँ पर ये चीज़ आपके आगे, सही है। जो भी आपने ब्लेंडिंग मोड रखना है वो आप यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड रख सकते हैं, और जो भी आपने चीज़ देनी है वो आप चीज़ कर सकते हैं। पिक्चर स्विच खोलिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने फर्ज करें कि ये रख लिया यहाँ पर ये, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है इसको ये दे दिया कि यहाँ पर भी आप, ज़रूरी नहीं है आप रखें, लेकिन आप यहाँ पर इस तरह से इसको खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए जितना कलरफुल होगा उतने ही कलरफुल आपकी चीज़ें आएंगी। और यहाँ पर एक कोलाज आपने बना लिया है, मास्किंग कोलाज। आप चाहें तो यहाँ पर सबसे ऊपर लेयर पर जाएँ और यहाँ पर जो है इसको दें, और यहाँ पर इसको कर दें आप मास्किंग कोलाज, मास्किंग कोलाज, ठीक है ना, सही है। मास्किंग कोलाज हो गया, इसको आप फॉन्ट वगैरह जो सेट करना चाहें कर लें, ये सब आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर या तो इस तरह से कर लें आप, या आप इसको कंट्रोल टी करके कर दें, ठीक है ना, कंट्रोल टी करके यहाँ पर ले लें, ठीक है। यहाँ पर लेने के बाद अब आप यहाँ पर जो है इसको जो है ये लेयर जो पैनल है आपका, इसमें स्टाइल्स जो है F6 इसकी है शॉर्टकट, लेकिन कभी नहीं खुलता है, तो आप यहाँ से जो है इसको ये ले लें, ये आपके आ गए यहाँ से, ये बता चुकी हूँ ना मैं। कोई भी आप यहाँ पर ले लें जो आपको लगे कि इस पर सेट हो रहा है, सेट लग रहा है, वो आप लेकर इस पर जो है वो आप यहाँ इफेक्ट दे दें, और यहाँ पर ये मैं दे रही हूँ इफेक्ट, ठीक है ना, या यहाँ पर ये दे दें आप, या यहाँ पर ये दे दें, रेड का पूरा है तो रेड का दे दें, ठीक है। ये दे दिया मैंने, यहाँ पर ये पोस्टर आपका डिज़ाइन हो गया, ठीक है ना, यानी कि ये आपकी फ़ोटो एक आ जाए। इसी के अंदर आपकी जो है पोस्टर में अगर आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है जब आप यहाँ पर पोस्टर्स में जाएंगी, तो यहाँ पर जनरल पोस्टर में आपके पास ये चीज़ है, ये पॉप आर्ट पोस्टर इसी तरह से है कि आप ये करके इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लेंडिंग मोड, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर कॉम्बिनेशन आप सेट करेंगे, तो ये इस तरह के पोस्टर आप डिज़ाइन करके मुझे दिखाएंगे जी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझ आ गई। तो ये इसी तरह से है, और ये दो पोस्टर आपको इसी तरह से करने। तो ये हो गई हमारी जनाब क्या फ़ोटो मास्किंग, ठीक है ना। फ़ोटो मास्किंग में आपको सिलेबस में दिखा चुकी हूँ मैं, फ़ोटो मास्किंग के सिलेबस में आपने जो है ये तमाम चीज़ें करनी है, ठीक है ना, जो हैं आपकी जो है यहाँ पर आपकी फ़ोटो इफेक्ट में है ये मास्किंग, ठीक है ना। इसमें फ़ोटो मास्किंग में ये सारे मास्किंग आपने बनाने, इसके अलावा सॉरी इसके अलावा मैं आपको जो है ये ईमेल भी कर दूँगी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई फ़ोटो मास्किंग। यहाँ पर ये ब्लेंडिंग मोड आप ऐसे लगाएंगे जहाँ पर वो करके, और फिर इसको मास्क करके इसके बीच का हिस्सा हल्का हल्का सा वो करेंगे, या ओपेसिटी कम करेंगे, तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब आते हैं हम टाइपो मास्किंग पे। टाइपो मास्किंग में बेसिकली आप टाइपिंग पे मास्क करते हैं, जैसे ये आप देखिए टाइपिंग पे मास्क है, ठीक है ना। एक चीज़ लिखकर स्टाइल अप लिखकर, और उसके अंदर आपने पिक्चर देकर, और हो गया। अब पिक्चर किस तरह से देंगे वो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। पेस्ट इनटू किस तरह से करेंगे वो किस तरह से करेंगे, क्लिपिंग मास्क किस तरह से करेंगे, वो तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखिए जो आप यहाँ पर पिक्चर लेते हैं, या आप कोई भी चीज़ यहाँ पर बना रहे होते हैं, इसको लेते हैं जो अभी बना हुआ है, ठीक है ना। फर्ज करें मैं एक यहाँ पर जो है कोई भी पहले ब्लैंक उस पर ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर ब्लैंक उस पर लेकर, और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर जैसे मैंने अप लिख दिया, हम आप
अब आप जिस तरह से भी इसको रखें, ठीक है ना, ये हो गया। आपने इसको मोटा इफेक्ट देना है क्योंकि इसके अंदर पिक्चर लानी है। पहले मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर मोटा इफेक्ट आपको जो है, देख लें यहाँ से ये सैंपल नज़र आ रहे होते हैं आपके, जैसे फर्श करेंगे ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब इसको करीब करना है। वैसे तो आप इसको कंट्रोल टी करके, रेस्टराइज करके और इसको सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं, और आप कैरेक्टर में भी जाके इसको करीब कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ से कि आप इसको जो है यहाँ से आप ये करेंगे तो ये करीब होता जाएगा, ठीक है ना। और आप दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लेयर को रेस्टराइज कर दें, यहाँ पर ये रेस्टराइज एक आप ओरिजिनल रखिएगा, ठीक है ना, डुप्लीकेट करके रेस्टराइज करें, और इसके बाद जो है इसको यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लें, या इसको यहाँ से इस तरह से कर लें, ठीक है ना। यहाँ से आप चाहें तो इसी लेयर पे मूव कर दें, आप चाहें तो इसको आप मूव टूल लें और इसको आप यहाँ पर इस तरह, ठीक है ना। और इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको आप लेयर विया कट कर दें, लेयर विया कट कर दें, लेयर विया कट कर दें, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। लेयर विया कट करके आप जो है यहाँ पर आ जाएं, देखिए ये रहे, ठीक है। अब आप इसको जहाँ भी रखें वो आप ले लें, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये ले लें, यहाँ पर ये ले लें। अब इसके अंदर मुझे पिक्चर लानी है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है ना, एक ओपन कर ली पिक्चर। कौन सी पिक्चर लानी है? अगर किसी शख्स की लानी है, कोई खड़े हुए शख्स की लानी है, तो आप वो ला सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि इसको लाना चाह रही हूँ मैं, ठीक है ना, कंट्रोल ए किया, या आप यहाँ पर ले लें। बहुत फीकी पिक्चर है, मुझे कलरफुल लेना चाहिए थी। चलें खैर, आप लोग कलरफुल लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए, अब इसके अंदर लानी है। इसके अंदर आके आप यहाँ पर पेस्ट इनटू कर देंगे, ठीक है, पेस्ट इनटू कर दिया आपने। अब आपको जितनी पिक्चर रखनी है वो आप इसको वो करके और यहाँ पर वो कर सकते हैं। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके पास मौजूद है, इसको मैं बता दूँ यहाँ पर, ठीक है ना, सही है। और इसी तरह से यहाँ पर पी है आपका, ये पी, इसको आपने ले लिया यहाँ पर। अगर यहाँ पर लेने के बाद इसको ले लिया आपने यहाँ, और यहाँ पर लेने के बाद आप यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप जो है यहाँ से कोई, मैं कह रही थी कलरफुल, इसको ले लेते हैं हम, इसको ले लें आप, ठीक है ना। और यहाँ से जो है इसको कंट्रोल सी कर दें, और कंट्रोल शिफ्ट भी है शॉर्टकट इसकी, देख लें आप लोग, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट भी, ठीक है ना। यहाँ आ गए, कंट्रोल टी कर दिया आपने। जाहिर सी बात है ये बहुत छोटी है, इसको पहले बड़ा कर लें आप, बड़ा करके और इस तरह से आप ये इसको रख सकते हैं। अब आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो है वो भी आए, यहाँ पर ये कर दिया आपने, इसके बाद यहाँ पर ये, अभी इसको हटाने का बता रही हूँ मैं। आप ये चाह रहे हैं कि इसकी जो है वो भी आए, आउटलाइन भी आए, ठीक है ना। तो आउटलाइन के लिए हमें पहले ही यहाँ पर आपका भी और इसकी भी एक वो बना के रखनी चाहिए थी, ठीक है ना। कंट्रोल जे आपने यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल जे कर दें आप, या उसको ले लें और यहाँ पर स्ट्रोक दे दें इसे आप, स्ट्रोक स्ट्रोक दे के इसको आप कोई सा भी स्ट्रोक दे दें यहाँ पर, और स्ट्रोक दे के इसको आउटसाइड है, और यहाँ पर ये दे दें, और ये देने के बाद आप जो है ये देखिए, ठीक है, इस तरह। अब इसको अगर आपने वो करना है तो इसको आप यहाँ पर अप्लाई लेयर मास्क कर देंगे, और अप्लाई लेयर मास्क करके तो फिर आप इसको उठा के रख सकते हैं, सही है। ये आ गया समझ में, आ गया ये समझ में। चलें आप एक और चीज़ हम क्लिपिंग मार्क से करते हैं। छोटी सी चीज़ लिख रही हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे एक्सिस वालों को बताना था लेकिन उनका टाइम ओवर हो गया। न्यू फोटो लेंगे हम, ठीक
है। और ये 300 DPI पे जो टाइपिंग वाली चीज़ है ना, वो 300 DPI रखिएगा आप। साइज़ बहुत बड़ा ना हो आपका, 8 से ज़्यादा ना जाए, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर आके मैंने फर्स्ट करें TLCC ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ही आ गया, अभी मैं यही रख रही हूँ, सही। ओपन किया मैंने ओपन, और यहाँ पर फोटो गैलरी में से मैं यहाँ पर फ्रूट्स ले लूँ या वेजिटेबल्स ले लूँ। यहाँ पर हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट के अंदर होंगे शायद, फ्रूट्स फ्रूट्स हाँ फ्रूट्स तो है, मैं वो देख रही थी वेजिटेबल्स। फ्लावर्स ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये फ्लावर है, ठीक है ना, एक ये ले लिया मैंने। इसको मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, और मैं यहाँ आ गई अपने इस पे TLC पे, इसको बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल टी। अब ये बहुत बड़ी पिक्चर है ना, दरअसल मसला ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आने के बाद आपने जो है इसको, अब आपने इसको राइट क्लिक किया और क्लिपिंग मास्क कर दिया, ये देखिए, ठीक है ना। भाई ये एक आप इसकी लेयर बना के रखेंगे, जब आपको स्ट्रोक चाहिए होगा तो आप स्ट्रोक ले। अब आपको यहाँ पर इतना चाहिए ये तो इतना ले लें, इतना चाहिए तो इतना ले लें। और अगर आपको सिर्फ एक एक में चाहिए तो आप ये दूसरे को सेलेक्ट करें, ठीक है ना। ये दूसरा वाला जो है आपका, इसको सेलेक्ट करें आप यहाँ पर ये, ठीक है ना। बल्कि एक मिनट, कंट्रोल डी, इसको एक इसकी लेयर रेस्टराइज करके आप ले लें, एक इसकी डुप्लीकेट बनाएं, कंट्रोल जे, ठीक है ना। और इसको रेस्टराइज आपने लाजमी करना है, ठीक है ना, ताकि आप फिर वहाँ पर वो कर सकें। अब यहाँ पर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये आ गया यहाँ पर। इसके अंदर आपको लेना है, इसके अंदर लेने के लिए आप जो है इसको, ये दरअसल मिला हुआ है इसलिए ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, वरना एक वक्त में एक ही होगा। एक मिनट रुकें, यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, टॉलरेंस इसकी कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल डी किया आपने, और ये देखिए अभी 5 से ये आ रहा है, 3 कर दें आप। ये मिला हुआ है ना दरअसल, इसलिए ये आ रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों ये आ रहे हैं, वरना आप ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। अब ये मिला हुआ मैंने कर दिया, तो मैं अभी वो नहीं कर रही, यहाँ पर दूसरा आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ, अब मैं जो है यहाँ पर रखूँगी इसको, और ओपन कर दिया मैंने ओपन, कोई और पिक्चर ले ली मैंने फ्लावर की, फर्ज करें मैंने ये वाली ले ली, ठीक है ना। ये वाली लेके मैं एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से भी ले सकती हूँ कि मैं यहाँ पर ले लूँगी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आ गई, इसको बंद करें, और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट नहीं, ये मैंने क्लिपिंग मास्क करना है, सॉरी, कंट्रोल वी किया मैंने, ये आ गया, ठीक है ना। अब ये दोनों में आ गया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर छोटा करना है इसको, और यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर लेकर आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ गए आप, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया आपने, वी टूल लेकर इसको नीचे कर लिया, और यहाँ पर जो है ये रहा आपका क्लिपिंग मास्क, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इसको लिया, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली जब आप इसके अंदर अंदर बनाते हैं कि ये आएगा, वरना हर एक में आपको वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप आके इसको लेकर और इसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं चाहिए इसमें, तो आप इरेजर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर आपका ये यूज़ हुआ हुआ है, इसी पे हुआ है ना, ये आपका इरेजर से इरेज भी हो जाएगा। लेकिन इरेजर जो है मेरा क्यों नहीं हो रहा, यहाँ से इरेजर से इरेज भी हो जाएगा और वो भी होगा, ये दो चीज़ें, या ये वाले पे बना हुआ है, मुझे नहीं याद किस पे बना हुआ, इसी पे बना हुआ है। ये बाहर वाली इरेजर से आपका इरेज हो जाएगा, और ये मैं रख रही गलत हूँ, यहाँ से इरेजर से इरेज होगा, जहाँ पर ये मेरी पिक्चर कौन सी है, ये है ना, ये इरेजर से हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, मुझसे कोई गलती हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर अब इसके अंदर आपको चाहिए, यहाँ पर आते हैं, या इरेज ना करें आप जो है यहाँ पर जो है कंट्रोल की वो कर दें, मैजिक वॉन्ड ले लें, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है ना। और इसके अंदर आप जो है इसको दूसरी वाली पिक्चर को ले लें, कोई दूसरी पिक्चर ओपन कर लें, दूसरी पिक्चर आपकी ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया आपने, इसके बाद कंट्रोल सी कर दिया, और यहाँ पर आपने कंट्रोल वी कर दिया आपने, ठीक है ना। अब ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इसलिए आ गई है कि वो चीज़ अब यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ रही है, ठीक है ना। इसको आप इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से जो है इसको आप
अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है, ये इस तरह से आपकी होगी, सही है। और फिर आप स्टोक लेके इसको स्टोक कर देंगे और ये हो जाएगा। तो ये आपके तीनों मास्किंग हुई है, आपके तीनों मास्किंग में आपकी जो है ये इसी तरह से। अब आप ये असाइनमेंट बनाएंगे इस तरह से, ये असाइनमेंट्स आपके हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट है, ये आप बना लेंगे। और इसके अंदर आप जो है फिर जो भी ड्रॉप शेडो देना चाहें, आप जो भी इफेक्ट देना चाहें, वो सारे इफेक्ट आप यहाँ से इसको जब आपका हो जाए, आप जो है यहाँ पर जब आपका ये हो जाए ना, यहाँ तक आपका ये हो जाए, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जब हो जाए, कंट्रोल ई कर लीजिए आप इसे। और अब आप इसे ड्रॉप शेडो, अलग अलग पे नहीं आएगा ये, ठीक है ना। ड्रॉप शेडो दे दें आप इसे, बेवल इफेक्ट दे दें, जो भी दे दें यहाँ पर, यह आपका जो है वो इफेक्ट आपका बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं लेयर मास्क। तो मुझे अच्छे अच्छे आप ये समय बना के दिखाइएगा, ठीक है। और ये आपकी हो गई क्लास, थैंक यू।